हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल। अभी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं मॉल, और मॉल में क्या ले रहे हैं तो आप लोग देखते रहिए एंड तक क्या ले रहे हैं। तो रॉनी का ड्रेस ले रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छा अच्छा ड्रेस था। तो मुझे ये देख रहे हैं, जो फौजी वाला पैंट है वो भी पसंद आ रहा था, पर हस्बैंड को वो पसंद नहीं था, मेरे पतिदेव को। उसके बाद हम एक दो और सेट देखे पैंट का। शर्ट तो मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा था, पैंट हम एक दो और देख रहे थे जो कि इसमें मैच हो जाए, पर फिर बाद में पता चला कि ये उस पर मैच कर रहा, वो नहीं कर रहा है। तो फिर हम वो छोड़ दिए, जो फर्स्ट में लिए थे वही ले लिए। इससे पहले हम लोग बहुत सारा कपड़ा देखे, तो जो पसंद आया वही लिए। फिर एक बार और ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और अच्छा दिख जाए तो ले लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो इसमें दो कपड़ा था, बाय वन गेट वन था, तो दो लेना था। उसके बाद यहाँ पे और हम टी शर्ट वगैरह देख रहे थे कि गर्मी में वाइट वाइट टी शर्ट वगैरह देखते हैं, पर कुछ ऐसा पसंद नहीं आ रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए पतिदेव को क्या पसंद आ रहा था, जिसमें कि साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर फिर हम लोग कपड़े ले कर उतरने लगे, और उसके बाद बस दो टी शर्ट नहीं, दो हाफ टी शर्ट और एक पैंट हम लोग लिए थे। उसके बाद वो टाइम ख़त्म होने के बाद, मार्केट से घर आने के बाद, फिर हम और मेरी फ्रेंड लोग सभी लोग गए थे मॉल, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि बर्थडे का सामान के लिए हम लोग गए थे, और हम कुछ भैया को बोल रहे थे तो वो इग्नोर कीजिए। यहाँ पे सारे लोग सामान देखने में लगे थे कि क्या क्या लेना है, और यहाँ पे सारे सब कुछ अवेलेबल था, राशन हो गया, किचन का सामान, कुछ मेकअप का सामान, क्रीम पाउडर, सारे सब कुछ था। तो यहाँ पे हम लोग चावल का रेट वगैरह चेक कर रहे थे, और ये देख रहे हैं पूरा सब चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे डिब्बा बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा था, डब्बे वगैरह, तो ये भी मुझे पसंद आ रहा था, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम लेते, क्योंकि अभी हम लोग कुछ और काम के लिए आए थे। तो यहाँ पे बर्थडे के लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे थे, वो भैया बता रहे थे कि सेवन अप लेने के लिए, पेप्सी लेने के लिए। तो देखते हैं क्या डिसाइड हो रहा है इन दोनों में। हम छुप छुप के थोड़ा थोड़ा ब्लॉगिंग किए थे, क्योंकि फिर वो देख लेते तो नहीं करने देते शायद। यहाँ पे मेरी फ्रेंड और हम दोनों पता नहीं क्या बात कर रहे थे। अच्छा, वो प्रसाद के बारे में बात हो रहा था, बादाम दे दिए थे हस्बैंड कि चलो खा के देखो ये प्रसाद है, तो हम और मेरी फ्रेंड को दोनों को दे दिए थे। तो हम लोग हंस रहे थे इसीलिए कि प्रसाद खाए हैं, यहाँ पे मॉल में आके कोई प्रसाद खाता है। तो यहाँ पे सारा सब कुछ हो गया था रेडी डन, सामान वगैरह ले लिए थे। दो चार घंटे तक घूम के सब चीज़ करके, सामान वगैरह लेने के बाद फाइनली अब हम लोग थैला में सब कुछ सामान करेंगे, जो भी हम लोग को बर्थडे का खाने का सामान के लिए हम लोग को चाहिए था सब कुछ हम लोग ले चुके थे। उसके बाद देखिए आए थे हम लोग दिन में वही 2:30-3 बजे के लगभग, और ये देखिए मेरी फ्रेंड और हम लोग रात हो गया था जाते जाते। ये रहा हमारा मॉर्निंग का टाइम, जो कि रॉनी का बर्थडे है। तो गाइज़ आप लोग ढेर सारा विशेस कीजिए रॉनी को, हैप्पी बर्थडे टू यू, कि वो अब 4 साल का कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि रॉनी जब आया था वो बहुत छोटा सा था, नन्हा सा था, वो मोमेंट किस तरह से 4 साल में गुजर गया ये कुछ भी पता नहीं चला। और कुछ यूनिक मोमेंट्स थे रॉनी के साथ, कुछ यूनिक जो कि बस हम और मेरे हस्बैंड जानते हैं, कि हम लोग अकेले बच्चे के साथ कितना ज़्यादा प्यार वो सब कुछ किए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई आने जाने का, सब कुछ हम दोनों ही किए हैं। तो वो चीज़ रॉनी को देख के याद आता है कि 4 साल कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। खैर वो सब तो बच्चों के साथ होता ही रहता है। यहाँ पे हस्बैंड जी थे और हम लोग थे, मेरे फ्रेंड थे, उनका भाई था, सभी लोग हम लोग पूजा करने गए थे। और क्या बताएं गाइस, ये तो बताना ही ज़रूरी है कि देख सकते हैं ये मंडे का दिन था, 1 तारीख को हम लोग पूजा देने गए थे। तो ये देखिए कुछ ऐसा भीड़ है, इतना भीषण भीड़ था, मत पूछिए, इतना ज़्यादा भीड़ था कि पूजा करना इम्पॉसिबल था। पर होता है ना कि जो चीज़ करना होता है वो बस हो जाता है। तो यहाँ पे अंदर में पूजा करने के बाद यहाँ पे हम बाहर में पूजा कर रहे थे, और काफ़ी मन से पूजा किए हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए हैं और रॉनी का बर्थडे था। वो 4 साल कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगता है
कि शायद वो बच्चा छोटा ही रहे तो अच्छा रहे, धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। छोटे से 4 साल के एज में बहुत कुछ हम देखे, उसका हंसते खेलते हर एक मोमेंट इन्जॉय किए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 4 साल कैसे गुजरा कुछ पता ना चला। तो आप लोग ढेर सारा विश कीजिए रॉनी को, बहुत 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 सारा। और यहाँ पे देखिए अब पतिदेव नारियल फोड़ने में लगे हैं, और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि अंदर से भी ज़्यादा बाहर में अब भीड़ हो रहा है। और इतना ज़्यादा गर्मी भी था तो बच्चे सारे ऊपर खड़े थे और हम लोग नीचे नारियल वगैरह इनसे फुड़वा रहे थे कि चलो ठीक है अब जल्दी जल्दी फोड़ के चलते हैं घर। ये देखिए, और भीड़ कम होने का नाम नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं गाइस, ये कुछ शाम का था जो कि रेडी हो रहा है। रॉनी गंजी में ही घूम रहा है, और यहाँ पे देखिए सौरा भी खेल रही है। तो रॉनी को देखिए, यही बर्थडे बॉय है जो कि कुछ देर में पूरा हीरो एकदम लल्लन टॉप लगने वाला है, और देखिए लग ही रहा है। तो यहाँ पे रॉनी सारे गेस्ट लोग आ चुके हैं बच्चों के साथ में, रॉनी का कुछ ऐसा मोमेंट चल रहा है ये देख सकते हैं। और उस दिन इतना ज़्यादा हवा चल रहा था कि क्या बताएं गाइस आप लोग को, बहुत ज़्यादा हवा था कि उस वजह से सारा बैलून वगैरह खुद ही फूट फूट के रह जा रहा था। उसके बाद आप देखिए सारे गेस्ट वगैरह आ गए थे, और सारे बच्चों के साथ रॉनी अब बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग को जिनको जिनको हम इनवाइट किए थे वो सारे आए थे। और बच्चों के साथ बर्थडे मनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे में कितना सारा बच्चा है। तो हम सौरा को भी और रॉनी को भी दोनों को टीका लगाए थे, और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे खड़े पीछे सभी को लगाए थे। तो यहाँ पे हम टीका वीका लगा रहे थे, और यहाँ पे देखिए भैया विशाल और हस्बैंड जी भी थे, तो सभी लोग वहाँ पे देखने में लगे थे। और फोटोशूट रील्स वीडियो बाप रे मत पूछिए, इतना ज़्यादा हुआ है कि हम क्या बताएं। तो यहाँ पे देखिए, हमको टीका करने के बाद मेरी सास आई थी, वो भी यहाँ पे टीका करने के लिए आरती लगा रही है बाबू को। और उसके बाद मेरी फ्रेंड जो कि ऑसम लग रही है एकदम येलो कलर में, तो यहाँ पे वो भी अब टीका लगा रही है रॉनी को, जो कि बर्थडे से पहले होता है। आप लोग में होता है या नहीं मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर वो भी टीका की। उसके बाद जितने भी थे जो भी मेरी फ्रेंड लोग थी सभी लोग टीका वगैरह करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए एक और मेरी फ्रेंड है, वो भी टीका लगा रही थी रॉनी को। तो ये सारी चीज़ आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिए और बिना स्क्रिप्ट किए हुए, क्योंकि ये बच्चे का पल है। और ये हवा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हवा चल रहा था कि क्या बताएं, पर गर्मी का एहसास नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए न्यू एंड बहुत अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे देखिए आंटी जी भी टीका लगाएं लगी है रॉनी को। तो आप लोग वीडियो को इन्जॉय कीजिए, आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे कैंडल नहीं जल रहा था मेरे से, आप लोग देख ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था तो उसके कारण कैंडल नहीं जल रहा था। तो भैया और हस्बैंड जी मिलके दोनों मिलके जो कैंडल जला दिए, उसके बाद हैप्पी बर्थडे करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग केक कट करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और ढेर सारा रोनी को आशीर्वाद दीजिए, विशेस कीजिए कि रोनी एक अच्छा लड़का बने। तो यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग केक कट का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ढेर सारा रोनी को विशेस कीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि फ़ोन भी दिख रहा है और फ़ोटो और वीडियो सब कुछ हो रहा है। तो रोनी अपना केक अपने से खा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कुछ खाने को वो सीखा है आजकल थोड़ा। तो ये देखिए हम रोनी को थोड़ा सा गाल में भी लगाए और हाथ में भी केक खिलाए हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि गिफ्ट देना स्टार्ट हो गया और वो अपना गिफ्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो क्लिक हम लोग करवा रहे थे, तो आप लोग पूरा वीडियो को एंजॉय कीजिए, आई होप वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को। उसके बाद सारा सब कुछ हो गया, तो अभी हम लोग नाश्ता बांटने में लग गए थे। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग प्लेट बांटने में लगे गए थे, और यहाँ पे देखिए देख ही सकते हैं गाइस कि हम लोग सबको सब कुछ दे चुके थे, नाश्ता वगैरह। और यहाँ पे मेरी सास बच्चों को लेके बैठ गई थी, यहाँ पे आंटी जी लोग थी, भाभी लोग थी, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए बर्थडे को। आप लोग ब्लॉग को देखे कैसे इंजॉय कर रहे हैं बताइएगा। और यहाँ मेरा देवर फ़ोन में लगा हुआ है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद मेरी मम्मी आई थी, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देख